क्या चीज लगा रहे हैं ऊपर? वरक होते हैं चांदी के, चांदी के वर्क होते। अच्छा तो और भाई लोग क्या हाल चाल, आज करते हैं मेरे YouTube से सब्सक्राइब बटन से वीडियो स्टार्ट और साथ बेल आइकन को भी दबा के। तो आज आपका भाई आ गया जी पहलवान जी खीर वालों के पास। आप लोगों का नाम तो पता होगा, रावलपिंडी में बहुत ही पुराने अरसे से बैठे हुए, काफी इनको टाइम हो गया, कम से कम 50-55 साल हो गए। ठीक है, पहले इनके वाले साहब लगाते थे, अब इनके बेटे ने सेटअप संभाला हुआ। ठीक है, तो आज मैं इनके पास आया हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है जी पहलवान जी खीर। ठीक है, कभी इनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि इनको कितना टाइम हो गया और क्या क्या लगाते हैं, टाइमिंग वगैरह क्या, लोकेशन पॉइंट वाला आप लोगों को पूछ के बताऊंगा। क्या चीज लगा रहे हैं ऊपर? वरक होते हैं चांदी के, चांदी के वर्क होता है। ये 1 kg है एक बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? जी, क्या नाम है आपका? एजाज। और ये बताएं कि आपके रेस्टोरेंट के क्या नाम है और क्या सोच के रखा था? ये दुकान 1976 में हमारे वालिद साहब ने डाली थी। ठीक है, 1976 में। ठीक है, तो फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता करते हुए एक नाम बन गया रावलपिंडी। ठीक है, कोई पहलवान नाम था, वो किसका नाम था? मेरे वालिद साहब पहलवानी करते थे। अच्छा, पहलवानी कसूर में, लाहौर से आगे एक भाई शहर है कसूर, वो हमारा। ठीक है, ठीक है। और वालिद साहब हमारे पहलवान भी रहे हैं वहाँ पे, कुश्तियां भी लड़ते रहे हैं, इंडिया से भी पहलवान आते थे। ठीक है, तो ये भी होते थे, साथ चलता रहा सिलसिला। अच्छा, तो वो उनके नाम से ये दुकान डली है। वो वालिद साहब हमारा नाम, असल नाम उनका फकीर मोहम्मद था, लेकिन उसको पहलवानी कहते थे, पहलवान। अच्छा। जी पहलवान जी पहलवान। ठीक है, फिर उन्हीं के नाम से ये दुकान डली है और फिर आस्ता आस्ता करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसा हॉल या कोई ऐसी मार्की नहीं है जहाँ पे हमारी खीर ना जाती हो। माशाल्लाह, खाना वो कहीं से भी बनवाए, लोग शादी का फंक्शन हो या कुछ भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान से वो बनवा के लेके जाते। कौन से सन में आए थे इधर पिंडी में? 1976 में। 1976 में। और ये दुकान आपने स्टार्ट की, ये बिजनेस ये कौन से सन में स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? अब 45 साल तो हो गए, 76 में डली है। अच्छा, 45 साल हो गए। हाँ, तो बता रहे थे 45 साल हो गए। और सिर्फ खीर ही बेचते हैं आप लोग? खीर होती, गाजर का हलवा, गाजर गुलाब जामुन गरम गरम होते हैं, इसके अलावा बर्फी, वो सर्दियों की आइटम है। अच्छा, वो सर्दी की आइटम है। और गर्मियों में जो डिश होती है ना हमारी, वो सर्दियों में होती है गाजर की खीर। गाजर की खीर, ठीक है। वो कोई भी नहीं रावलपिंडी इस्लामाबाद में बनाता। और गाजर का हलवा भी, गाजर का हलवा भी वो सर्दियों में चलता है, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन गरम गरम होते हैं। ठीक है, नहीं वो बेहतरीन मतलब है वो। अच्छा, अभी भी यानी कि मौसम गर्म हो गया, लेकिन फिर भी डिमांड लोग करते हैं यार वो हमें गुलाब जामुन चाहिए, गुलाब जामुन, लेकिन वो क्लोज कर दिए। और रेट्स वगैरह क्या आप लोगों को, किस तरह प्लेट्स देते हैं? और 1 kg का भी हिसाब है, किलो किस तरह देते? 540 रुपए केजी है। 540 रुपए केजी, 1 kg का बॉक्स है ये। अच्छा, ये बॉक्स 1 kg का है, 540 है। ठीक है, ये ऊपर जो बिल्क लगे हुए चांदी के, ये असल चांदी के वर्क होते। अच्छा, इसकी अलग प्राइस है? नहीं नहीं, ये एक ही साथ, इसके साथ ही होती है 540 में। अच्छा, ठीक है, डेकोरेट करके देते हैं, कोई भी चांदी के वर्क इस्तेमाल नहीं करता ना कोई लगाता है। ठीक है, तो जरा एक प्लेट हमारी भी लगाएं, हम भी टेस्ट करते हैं आप लोगों का जाके कैसा। मैंने बड़ा नाम सुना आप लोगों का, तो वही सुन के मैंने कहा चलो आज मैं भी पहलवान की खीर चेक करता हूँ कि टेस्ट वगैरह कैसा है। तो काइंडली एक प्लेट हमें भी लगा के दे दें, हम भी टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा आप लोगों का जायका है। एक प्लेट लगाएं जरा, ये एक प्लेट लग गई है मेरी। ठीक है, 120 रुपए। अच्छा, ओके, ये ऊपर ग्रेवी वगैरह डाले हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
अभी ट्राई करते हैं टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ इनका जायके वगैरह कैसा है। तो ये जो सिंगल प्राइस सॉरी प्लेट एक है 120 रुपए इसकी है। टेस्ट करें, अब कब से खा रहे हैं आपको, कितना टाइम हो गया आपको? बहुत अरसा है, मैं जब इनके वाले साहब के दार में जब से मैं खाता हूँ, मेरी एक बिस्ट्री एक चम्मच की है, ये बगैर पैसों के मैं रोज खाता हूँ इनसे। बगैर पैसों के रोज खाते हैं जी, एक चमचा बगैर पैसों से भी खा रहे हैं जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चले मीडिया वाले के साथ मिलके खा लें। आपको कैसा टेस्ट लगेगा? बहुत क्लासिकल, आउट क्लास। जी जी जरूर चेक करें इंशाल्लाह, हमारी एक चमचा बिस्ट्री होती है बस। अच्छा, बस एक चम्मच जी, आउट क्लास। इस जैसी पूरे पाकिस्तान में खीर कहीं नहीं। मैंने इनकी खाई थी कमर्शियल मार्केट में, और इन्हें मुझे अभी बताया, मुझे पता नहीं था ये कमर्शियल मार्केट भी इन्हीं की शॉप, वो भी इन्हीं की ब्रांच है दूसरी। इनकी दो ब्रांच है, एक यहाँ एक कमर्शियल मार्केट सैटेलाइट ऑन, क्योंकि कमर्शियल मार्केट दो है ना, एक स्कीन थ्री में भी है, लेकिन वहाँ इनकी ब्रांच नहीं, ब्रांच सैटेलाइट ऑन में है, कमर्शियल मार्केट सैटेलाइट ऑन। अभी मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ इनका जायके वगैरह कैसे, उसके बाद आप लोगों ने आना है और मस्ट ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे भी बताना है की आप लोगों को जायके इनका कैसा लगा। ठीक है, चलो अभी ट्राई करते हैं। एक फर्क हो गया बिल्कुल, सीधे हम इधर से ट्राई करेंगे। यार यकीन माने बहुत ही कमाल का जायका है यार, इस जैसी खीर मैंने पिंडी में सच में नहीं खाई, बहुत ही कमाल का जायका है। बहुत शुक्रिया, अभी टेस्ट किया सीरियसली कमाल, मजा आ गया। आप लोग लाजमी ट्राई करनी चाहिए क्योंकि ये जायका है ना बहुत ही कमाल का है, और प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है। अच्छा, ट्यूबवेल 100 रुपए की प्लेट देते हैं, करवा लीजिए 100 रुपए की सिर्फ प्लेट का नाम है, बहुत ही कमाल का। चलो थोड़ा दो चार लाख लोग लग जाएगा, मैं हाल 10 में से मेरी 15 नंबर अपनी भी सहूलत हो जाएगी। चलो मतलब नाले एक सड़का जा रही है, वो दुकान देना बाहर जगह भी बेहतरीन है, आपने तबाद कराया यार, खाइए कभी खानी है। चलो तो मैं खा चल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों का एड्रेस वगैरह इनका बताता हूँ, आप लोगों ने आना और मस्ट ट्राई करनी है। ठीक है, एक बार ट्राई करें आप, हर रोज ना आए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप लोगों को मजा ना आए सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल, जो है टेस्ट इनका जो है बहुत ही आउट क्लास का, बहुत ही कमाल का है। अभी मैं खा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एड्रेस पूछ के बताता हूँ, उसके बाद और टेस्ट करके मुझे बताया लोगों कैसा। हाँ यार, खा के फरी हो गया माशाल्लाह, जायके बहुत ही कमाल का था, आप लोगों को मस्ट ट्राई करना चाहिए। बाकी आप लोगों को एड्रेस वगैरह पूछ के बताता हूँ, माशाल्लाह जायके बहुत ही कमाल का था। ठीक है, बाकी कल इनको एड्रेस वगैरह बता दें आप लोगों को, लोकेशन वगैरह क्या एड्रेस? एड्रेस हमारा बाबड़ा बाजार है, ये मेन बाबड़ा बाजार, कमेटी चौक से आप बाबड़ा बाजार की तरफ आते हैं। ठीक है, पहलवान आगे, पहलवान जी खीर किसी से भी पूछ लेते हैं, वो आप लोगों को मुकम्मल एड्रेस बता देंगे, और उसके बाद गूगल मैप पे लोकेशन है ना। ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन सी ब्रांच है, किधर किधर ब्रांच है इसके अलावा? इसके अलावा कमर्शियल मार्केट में है ब्रांच हमारी, है कमर्शियल मार्केट, वो भी पहलवान जी खीर के नाम से ही है। ठीक है, ठीक है, अल जन्नत माल के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो लेकिन मेन ब्रांच हमारी ये बाबड़ा बाजार में ही है, इधर का ज्यादातर लोगों को कस्टमर का पता है, इधर कस्टमर आता है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है, और ये बहुत कदीमी बाजार है बाबड़ा बाजार, कमेटी चौक से थोड़ा सा आगे है, आप कसरे श्री मिठाई वाली दुकान के साथ अंदर सड़क आ रही है बाबड़ा बाजार। और मैंने ये आप लोगों का बोर्ड देखा निहारी वाला जी, तो ये आप लोगों ने कब लगाई थी और ये किस जगह पे है? पहलवान जी निहारी, ये सराफा बाजार में बिल्कुल, आप बाबड़ा बाजार से थोड़ा सा आगे है सराफा बाजार आता है। ठीक है, तो सराफा बाजार में वहाँ पे मेन मतलब है कि ना एक बहुत बड़ा होटल है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये शुरू किया था, साल हो गया है पहलवान जी निहारी उसके नाम। उसकी टाइमिंग वगैरह क्या है, किस टाइम की टाइमिंग? सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक, सुबह 7 से 11 बजे तक। और इसकी क्या टाइमिंग है? 11 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और रात को 8-9 बजे खीर खत्म हो जाती है, रात को 8-9 बजे तक। तो यार अगर आप गूगल मैप पे लोकेशन की डालते हैं पहलवान जी खीर, ठीक है ना, और आ जाएगी लोकेशन। अगर वैसे समझ नहीं आते कमेटी चौक है और पापड़ा बाजार है, ठीक है, पहलवान जी खीर किसी से भी आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को वो ट्रैक लोकेशन बता देंगे। ठीक है, और आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना, कमाल का आउट क्लास का है, प्राइस वो भी रीजनेबल है। बाकी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें।